नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डे इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालिया। कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों की एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराइज्ड शपथ पत्र में देना होगा। ये विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किए गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा। 1 अप्रैल 2022 एवं उसके पश्चात नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे। स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का ये फैसला लिया गया है। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे। नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेक्टर के भीतर क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर भूखंडों के लीज प्रीमियम निर्धारण के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसके तहत 50 एकड़ से अधिक भूखंड क्षेत्रफल के लिए वर्तमान अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर 500 रुपए को घटाकर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का फैसला लिया गया। वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य में प्रतिवर्ष 36,000 एकड़ की मान से 5 साल में 1,80,000 एकड़ में क्लोनल नीलगिरी टिश्यू कल्चर सागौन एवं बांस मिलिया डुबिया सहित अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजातियों के 15 करोड़ पौधे का रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी सहित शासकीय अर्धशासकीय शासन की स्वायत्त संस्थाएं निजी शिक्षण संस्थाएं निजी ट्रस्ट गैर शासकीय संस्थाएं पंचायतें और लीज लैंड होल्डर जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं ले सकेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।